इंसान सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब वो सांस ना ले पाए, यानी उसके दिल में दर्द हो, रिलेशनशिप, प्यार, उसका रिश्ता, उसका संबंध जब बिगड़ने लगता है तो इंसान कुछ नहीं सोच पाता। शारीरिक कष्ट फिर भी संभाला जा सकता है, मानसिक कष्ट संभाला नहीं जा सकता। जब दिल पे कोई दर्द हो, जब आंतरिक कोई पीड़ा हो, जब कोई अपना ही धोखा दे रहा हो, जब अपना ही कोई दूर जा रहा हो, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आज ये माचिस की डिब्बी में ये सामान रख कर देख, तुम्हारे घर में माचिस की डिब्बिया है ना, बस उस माचिस की डिब्बी में ये सामान रख देना, फिर देखना चमत्कार। अग्निकुंडिका कहते हैं इसे, इसको आज तक जिसने भी किया वो पूरी तरह से सफल हुआ है। अब तुम्हारी बारी है, जान लीजिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको प्यार, मोहब्बत, इश्क, रिश्ता, रिलेशन, शादी, विवाह, उसमें जिताया जाता है। जो रिश्ते आसमान में बनते हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है, और हमेशा आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लव विद एस्ट्रोलॉजी वर्क करती रही है। पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, और ये संख्या, ये व्यवस्था सब निरंतर जारी है, इसको बिल्कुल स्टॉप नहीं किया गया। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है, और ये सब लगातार है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते, क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़, उसका रिसर्च, ऋषियों की वाणी, आदिकाल की परंपरा, उनका निर्वाहन किया जाता है। रिसर्च बड़ा होता है, सोल्यूशन बहुत छोटा होता है। आपको करने के लिए बहुत छोटी बात बताई जाती है, क्योंकि इंसान वही कर सकता है जो उसके हक में है, जो उसके पक्ष में। बड़े बड़े मंत्र, बड़ी बड़ी विधि, बड़ी बड़ी परंपरा, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हर कोई नहीं कर सकता, ना हर कोई करा सकता है। इसलिए हम हर दिन आपके सामने हाजिर होते हैं आपके रिश्तों को संभालने के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद की बात होती है, पूरी उदाहरण के तौर पर, पूरी स्पष्टता से, पूरे प्रमाण के साथ, पूरी लिखा पढ़ी के साथ, और पूरी साक्षरता के साथ, और पूरी प्रमाणिकता के साथ आपके सामने रूबरू होकर के बात होती है। अभी तक की परंपरा रही है, अभी तक का रिकॉर्ड है, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, प्यार पर या तो बात करने वाले लोग ही नहीं है, और अगर लोग हैं तो छुप के बात करते, कोई हाथ दिखाता, कोई पैर दिखाता, कोई केवल सामान दिखाता, कोई पीछे से बोलता है, सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। पहली बार विश्व में आपके सामने, आपके सन्मुख आकर के कोई बात कर रहा है, और सिर्फ इसी बात पर बात कर रहा है। ऐसा विश्व में दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको जिताने के लिए हम आपके सन्मुख होते हैं, और ईश्वर की कृपा से आपके सामने है। आप सबको पता है अभी तक कोई जुड़ा ही नहीं है ऐसा। अगर आपका भी कुछ दिन हो गया है इस वर्क को देखते देखते, तो आपको पता है कि आपके जीवन में भी परिवर्तन तो आने लगा है। यहां आने वाले व्यक्ति का जीवन चेंज हो जाता है। क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो, क्यों होते हो परेशान, क्यों तुम दुखी हो, क्या ऐसी बात है जो तुम्हें मिल नहीं सकती, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारा कराया नहीं जा सकता, तुम पर किया कराया हो, तुम पर तंत्र मंत्र हो, तुमसे कोई कुछ छीन रहा हो, तुम्हें कोई परेशान कर रहा हो, तुम्हारा मन खराब हो, तुम्हारा दिल खराब हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो, तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, तुम्हारी मानसिक पीड़ा बढ़ रही हो, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा शादी, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा प्यार, कहीं पर भी दिक्कत हो, इन सब चीजों पर हम सीधा काम करते हैं और बड़ी स्पष्टता के साथ काम करते हैं। हमारे यहां वो सब काम नहीं होते कि हम कहें कुछ और करें कुछ और, हम वही कहते हैं जो करते हैं। हाँ, हम आपके साथ हर हाल में खड़े होते हैं,
और पूरी ईमानदारी के साथ। आज हम कह रहे हैं कि आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में, आपके विवाह में, आपके रिश्तों में, आपके प्यार में कहीं कोई तकलीफ है तो उसे ठीक करने के लिए एक छोटी सी माचिस की डिबिया, जिसे अग्निकंडिका भी कहते हैं, अग्निकुंडिका भी कहते हैं, और ये असली में अग्नि को उत्पन्न करने का साधन है। वो व्यवस्था है विज्ञान की जिससे अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि इसके अंदर है, ऐसा कह सकते हैं आप। अब आपको करना ये है कि आप अपने प्यार को अपनी ओर खींच लो। करना यह है कि उसको 100% अपने हाथ में रख लो। करना यह है कि छोटा सा काम आपके जीवन में 100% विमुक्ति का कारण बनेगा। सामान में क्या चाहिए? एक माचिस की डिबिया चाहिए, छोटा सा कागज चाहिए, एक लौंग और एक इलायची चाहिए। इन चार चीजों के अलावा पांचवी कोई सामान नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए। मात्र इतना करके आज के आज अपने प्यार को अपने हाथ में कर लो, अपनी मुट्ठी में कर लो, जो तुम चाहोगे वही होगा। विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया ये उपाय आदिकाल से, कई हजार सालों से आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ। शास्त्र कहता है, प्रमाण कहता है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परम वैश्वर्य मतुलम प्राप्सते भूतले पुमान। ऐसा क्या है तो तुम सोचो और संभव नहीं हो सकता। दिल के रिश्ते हो, मन के रिश्ते हो, दिमाग के रिश्ते हो, उन्हें पूरी तरह से आप अपने हाथ में रख सकते हो, अपने पक्ष में कर सकते हो। पर रोना नहीं, हताश मत होना। निराश होकर के करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। तुम्हें जागृत होना पड़ेगा, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। रो के बिलक के परेशान होके निगेटिव होकर के तो तुम अपना सब सर्वनाश करने वाले हो, सत्यानाश कर रहे हो। ठीक करना है तो जाग जाओ, मेमना नहीं शेर बनो, अच्छे बनने की कोशिश करो, फिर देखना चमत्कार। हमारे वो सब वीडियोस देखो जिसमें हमने रात में सोते समय आशीर्वाद देने की बात सिखाई है, पानी कैसे और क्यों पीना चाहिए वो सिखाया है, सुबह उठकर कैसे मंत्र अपने आप को देना है वो सिखाया है, अपने आप को कैसे शुद्ध और विशुद्ध करना है वो सिखाया है, कार्मिक अकाउंट कैसे ठीक करना है वो सिखाया है, कैसे तुम अपने प्यार को 100% जान सकते हो वो सिखाया है। पुराने वीडियोस देखो ना, क्यों अपना समय खराब करते हो। ध्यान रहे, किसी भी अनदर व्यक्ति को अगर तुम देख रहे हो तो मुझे देखो मत, क्योंकि ये पाठशाला, ये कक्षा, ये क्लास सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 100% अपने प्यार को पाना चाहते हैं, हर हाल में, हर परिस्थिति में पाना चाहते हैं। ये पूरा संप्रदाय अलग है, यहां हर किसी के लिए आवश्यकता नहीं। जो यहां वहां लोगों को ढूंढ रहा है, जो 10 जगह अपनी बातें कर रहा है, 10 जगह जाकर के अपना प्रयास और अपना प्रयत्न कर रहा है या कर रही है, उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है बच्चा। यहां तभी तुम सफल हो पाओगे जब तुम्हारी ईमानदारी होगी। जीवन में कहीं तो ईमानदार बनना ही होगा, किसी भी रिश्ते में ईमानदार बन जाओ। कहीं गलतियों से तुम्हारी ईमानदारी खत्म हो गई और कहीं तुम स्वयं खत्म कर रहे हो। व्यवस्था कितनी भी हो जाए तब भी धियोर पिपुन श्यामलनी भवंती प्रायः समापन्न विपत्ति काले। प्रायः ऐसा होता है विपत्ति के टाइम पर मनुष्य की मति और दिमाग, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। पर तुम्हें जागृत रहना है, तुम्हें वो समझना है कि तुम हो। तुम सबसे पहले खुद के लिए तो जाग जाओ, दूसरे के लिए बाद में जागना। सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत किसको है? तुमको खुद को है। सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत किसको? तुमको खुद को है। तुम अपने आप को जान जाओ, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास ही होगा, ये मैं कहता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं। तुम गलत सोचोगे, तुम अपना सर्वनाश कर रहे हो, अपना फिजिक, अपना शरीर, अपनी ब्यूटी सब खराब कर रहे हो, तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है। चलो सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते, बहुत सारी बातें नहीं करते, बहुत 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 जल्दी तुम्हें सीधा उपाय बता रहा हूं। सिखाता इसलिए हूं कि वो ज्यादा जरूरी है, समझाता इसलिए हूं कि वो बहुत आवश्यक है, वो भी आप जानोगे तो ठीक हो पाएगा। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी, मैं आपको कॉन्टेक्ट की थी तब
बहुत कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर आपके आशीर्वाद की वजह से मैंने रुद्राक्ष धारण किया, जिसमें मेरे हम दोनों का गठबंधन हुआ। मेरा शुक्र आपके हिसाब से उसको ठीक करना था, जिसके वजह से मैंने आपके दिए हुए मैंने शुक्र की वजह से मैंने थंब रिंग पहना। उसके बाद मेरी नौकरी लगी, उसके बाद मेरा मानसिक संतुलन ठीक होने लगा। विश्वास रखती थी और आप बोलते थे कि बिल्कुल नहीं रोना है, हमेशा खुश रहना है। मैं बिल्कुल आपकी बात मानती थी और सब गुरुजी आपकी वजह से है। और आपने जो गठबंधन किया करके भेजा था रुद्राक्ष, मैं आज भी उसे धारण करके रखी हूँ और मुझे आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, और मैं बहुत खुश हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी वजह से सब हुआ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। आपने कहा ना बार बार कि हम आपके बात मानते थे, बात मानोगे तो 95 प्लस में जाओगे ही जाओगे। आंखें बंद करके कुछ मत सोचो, जो कह रहा हूं, जो इसे चला रहा हूं, वैसे चलते जाओ, 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सदगुरु नाथ जी महाराज के मुखारविंद से सुनिए प्रदोष शिव महापुराण कथा, दिनांक 23 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक, शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक। कथा स्थल हाउस नंबर 7, 198/1, 2 विनायक नगर, जेडी मेटला, हैदराबाद। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202639129292929। मुख्य यजमान भरत पटेल, श्री धनजी भाई पटेल। आयोजक हैं श्री कच्छ बागड़ लेवा पाटीदार समाज हैदराबाद एवं सद गुरुनाथ जी धाम परिवार हैदराबाद। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर शाम 4 से 7 बजे तक एवं डी लाइव आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। जी, उपाय एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत सरल है। मैंने कहा 4 सामान लेनी है आपको, एक यूज की हुई माचिस की टिबिया, और अगर आपके घर में माचिस यूज नहीं होती तो थोड़ी सी तिलियां उसकी निकाल कर फेंक दीजिएगा, कुछ कम कर लीजिएगा। अब आपको करना यह है, एक कागज के अंदर अपने पार्टनर का नाम लिखने के पहले 96 लिखना है और पार्टनर का नाम लिखने के बाद 47 लिखना है। ऐसा करके उसको गोल मोल करके पुड़िया के अंदर रख दीजिए, एक तरफ लौंग और दूसरी तरफ इलायची रख करके ठीक से बंद कर दीजिए उसका शटर। और ध्यान रहे, इसको तब तक अपने बेड के गद्दे के नीचे दबा कर रखना जब तक वो तुम्हारे पास पूरी तरह से नहीं हो। जब तक तुम्हारी मनसा पूरी ना हो जाए तब तक इसे नीचे दबा रहने देना। मैक्सिमम 5 दिन करना चाहिए, 5 दिनों में 100% काम हो जाता है, कोई संदेह नहीं इस बात में। बस अपना ध्यान रखना, तुम इसको पूरे मन से करना। अगर नहीं होता है तो मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या है, सीधा संपर्क करिए, एकदम डगमगाइए मत, दूर मत भागिए, कैसे भी करके अपने जीवन को बेहतर बना लीजिए। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अच्छा बनने की कोशिश करिए, अपना ध्यान रखिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर आधे घंटे में पानी पीना, मुस्कुराना और खूब सुंदर बनने की कोशिश करना। सुंदर कितना कि सोते समय भी कोई फोटो खींच ले तो दीवार में लगाने जैसी आनी चाहिए। हाँ हाँ, रोना मत, परेशान मत होना, विवश मत होना, निगेटिव मत सोचना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना सब मत करिए। बाकी मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखने के लिए हाजिर हूँ तुम्हारे सामने, मैं हूँ आपके साथ हर हाल में। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सदगुरु नाथ जी महाराज के मुखारविंद से सुनिए प्रदोष शिव महापुराण कथा, दिनांक 23 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक, शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक। कथा स्थल हाउस नंबर 7, 198/1, 2 विनायक नगर, जेडी मेटला, हैदराबाद। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202639129292929। मुख्य यजमान
भरत पटेल श्री धनजी भाई पटेल। आयोजक हैं श्री कच्छ बागड़ लेवा पाटीदार समाज हैदराबाद एवं सद गुरुनाथ जी धाम परिवार हैदराबाद। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर शाम 4 से 7 बजे तक एवं डी लाइव आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। श्री सदगुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9963660125। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।